So we are live now. Assalamu alaikum everyone. This is your host Vishal Shakir. Welcome back to another exciting episode of Late Night Kanuni Karwai with Vishal Shakir. आज का जो शो है मेरी जात के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं आज के शो में इज नन अदर देन माय टीचर जिन्होंने मुझे इस्लामिक पर्सनल लॉ सिखाया है. बहुत वकील ऑनलाइन पे बैक एंड फोर्थ लोगों की क्वेरीज का आंसर करके पीपल बिलीव दैट आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन फैमिली लॉ एंड अदर एरियाज ऑफ लॉ एज वेल. तो जितना इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस और जितना फैमिली लॉ के ऊपर जो कमांड है उसका सारा जो क्रेडिट है वो हमारे आज के जो गेस्ट स्पीकर हैं तैयब हनीफ साहब उनको जाता है. इंट्रोडक्शन तो मैं उनको अभी करवाता हूँ. पहले हम आज का जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक हाई कोर्ट की जजमेंट के ऊपर है जो रिसेंट जजमेंट आई है हाई कोर्ट की तरफ से कि एक खातून जो है वो इद्दत के दौरान दूसरी शादी कर सकती है. एक काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट लगती है. बहुत सारे लोगों ने इसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोला है. कुछ लोगों ने इसको बिल्कुल फिक के मुताबिक बोला है. बहुत लोगों ने इसको कानून के मुताबिक बोला है. तो बहुत सारी इसमें वर्जन आ रहे हैं. कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अगर आप इद्दत के दौरान शादी करेंगे तो ये जना के जुमरे में आएगा और कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप इद्दत के दौरान शादी करेंगे तो तब भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. तो आज का जो शो है उसका मकसद ये है कि पहले हम देखें कि इद्दत एक्चुअली है क्या, किन किन केसेस में कितनी कितनी इद्दत होती है और क्या वाकई में इद्दत के दौरान दूसरी शादी हो सकती है या नहीं हो सकती. तो जो हमारे आज के गेस्ट हैं जो बड़े एस्टीम उस्ताद हैं मेरे उनका मैं तारुफ कराता हूँ. हमारे साथ मौजूद हैं तैयब हनीफ साहब. ही इज LLM फ्रॉम इस्लामिक इन इस्लामिक कमर्शियल लॉ 2012, LLB ऑनर्स शरिया एंड लॉ 2010 फ्रॉम इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, लेक्चरर लाहौर लीडर्स यूनिवर्सिटी लाहौर. He specializes in Islamic jurisprudence, Muslim family laws, Islamic commercial law. Advocate since 2011 and member Islamabad High Court Bar Association. And he's also CEO of Sanabli Educare International Schools. And he belongs from Gujranwala. Sir, Assalamu alaikum and welcome to the show. बहुत खुशी है मुझे आपको अपने शो पे बुलाने की. It's an honor for me और आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने वक्त दिया और आज हम इस सेशन को वालेकुम सलाम. थैंक यू विशाल, आपका भी शुक्रिया. आपने मुझे मौका दिया इस फोरम पे बात करने का. एक्चुअली ये फोरम मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम फोरम है जिससे आजकल के नौजवान नस्ल को बकायदा तौर पर गाइड किया जाता है. स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं लॉ की फील्ड में उनके लिए ये एक बड़ा अच्छा फोरम है. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर. हमारी कोशिश तो यही है कि इस फोरम से ना तो सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स बल्कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जितने भी लोग इस सेशन का हिस्सा हैं, जो आम आवाम हैं, अमूमन हम जितने भी लॉ प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें कोशिश तो लोगों की ये होती है कि लॉ स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाए. बट वकील ऑनलाइन की बिलखसूस कोशिश ये है कि लॉ स्टूडेंट से बढ़ के, लॉयर से बढ़ के आम आवाम को टैकल किया जाए, उनको उनके मसले जो उनके लिए कानून बना हुआ है उनको आसान करके पेश किया जाए. सर इस पे आते हैं टॉपिक के ऊपर. आज का जिस टॉपिक का मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि औरत की जो एक खातून है वो इद्दत के दौरान भी दूसरी शादी कर सकती है. अब इस पे बहुत सारी मिसकंसेप्शंस जो हैं वो सामने आई हैं. कुछ लोग इसकी फेवर में हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट हैं, कुछ लोग इस पे फतवा देना चाहते हैं, कुछ लोग उसको मानना नहीं चाहते. तो हम उसकी ऊपर डिबेट करना चाहते हैं बहुत ही प्रिसाइज अंदाज में कि एक्चुअली हो क्या रहा है और इसके पीछे इस्लामिक लॉ क्या कहता है, पाकिस्तानी लॉ क्या कहता है. और बेसिकली हम शुरू करना चाहेंगे कि इद्दत होती क्या है. बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जब आप किसी से इद्दत का पूछते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि ये 3 माह है, कुछ लोग कहते हैं 4 माह 10 दिन है. तो बहुत कंफ्यूजन पाई जाती है. तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप हमें बताइएगा कि इद्दत बेसिकली होती क्या है और इसका इस्लाम में क्या अहमियत है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बेसिकली तौर पे जो इद्दत है ये कोई फुकहा की कोई अपनी तरफ से क्रिएशन नहीं है. ये बकायदा तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से आर्डर है, रिकमेंडेशन है. और ये बेसिकली तौर पे इद्दत एक कंसेप्ट है जिसे हम इंग्लिश में वेटिंग पीरियड कहते हैं.
ये वो पीरियड है, ये वो मुद्दत है जिस दौरान औरत अपने आप को रोके रखती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड उसने कहीं भी शादी नहीं करनी होती, और ये अल्लाह ताला की तरफ से रिकमेंडेशन है। जैसा कि चैप्टर 65 वर्स नंबर 1 में आता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तल्लक्तुमू या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तल्लक्तुमुन निसा फतल्लिकुहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना वाहसुल इद्दा। अल्लाह ताला वाज़े तौर पे कुरान में आर्डर देते हैं, क्या ईमान वालों, जब तुम तलाक दो तो फिर तलाक को तुम काउंट करो। तो ये बकायदा तौर पे अल्लाह का ऑर्डर है, और ये जो काउंटिंग पीरियड है ये डिफरेंट है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई तलाक देता है तो उसमें वेटिंग पीरियड जो है, इद्दत का पीरियड है, वो अमूमन 3 माह है, जिसे 3 तोहर कहा जाता है इस्लामिक लॉ में। और अगर बाद सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें 4 माह और 10 दिन होता है, और ये पीरियड होता है जब औरत का हस्बैंड फोत हो जाता है। तो इस्लाम में बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि इद्दत का पीरियड नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैरिज हुई है, मैरिज होने के फौरन बाद डिवोर्स हो गई है, अभी रुखसती नहीं हुई, उनके दरमियान तल्लुकात कायम नहीं हुए, तो ऐसी सूरत में उनके दरमियान कोई इद्दत नहीं है। तो ये कोई किसी जूरिस्ट का या किसी फकीर का कोई अपनी तरफ से क्रिएशन नहीं है, कोई उसका अपना ख्याल और तसव्वुर नहीं है। ये बकायदा तौर पे इस्लामिक लॉ है जिसके मुताबिक हर एक को चलना होता है। तो गोया के इद्दत बेसिकली एक किस्म का वेटिंग पीरियड है, इंतजार की मुद्दत है जिस दौरान औरत ने शादी वगैरह नहीं करनी होती, और ये अल्लाह ताला का ऑर्डर है। इसमें बताइएगा कि शादी क्यों नहीं करनी होती, क्योंकि एक जो बड़ा इसमें वजूहात पाई जाती हैं वो शादी को रोकने की हैं, लेकिन उसके पीछे जो रैशनल है, उसके पीछे जो लॉजिकल थिंकिंग है, वो अमूमन हमारे जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो भी कई दफा शायद अवाम तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाते, या कई बार वो इतना कॉम्प्लेक्स इशू हो जाता है कि एक जनरल पब्लिक जो है, एक आम इंसान है, वो उस चीज को समझ नहीं पाता कि क्यों अल्लाह की तरफ से जो हुक्म है उसके पीछे बेशक कोई ना कोई बेहतरी ही होती है। तो इसमें क्या बेहतरी है कि जी उस पीरियड के दौरान शादी ना करने का हुक्म दिया गया? जी बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है कि ये इद्दत के दौरान औरत शादी क्यों नहीं कर सकती। हमारे यहाँ एक क्वेश्चन ये आता है कि मर्द जो है वो तलाक देने के फौरन बाद शादी कर दे लेता है, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन औरत ही क्यों, उस पर क्यों इस किस्म की कदगन लगाई गई है, उसे क्यों स्टॉप किया गया है, क्या उसका ये राइट नहीं है? तो इस हवाले से दो विजडम बयान की जाती हैं, दो इसमें बकायदा तौर पे लॉजिक्स बयान की जाती हैं। पहली लॉजिक ये है कि इद्दत के दौरान देर इज अ स्पेशल गिवन अ कपल, एक टाइम दिया जाता है जिस दौरान अगर वो रिकन्सिलिएशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसा कि तलाक की सूरत में 3 माह होते हैं, 3 तोहर होते हैं, इन 3 माह के दौरान अगर शोहर और बीवी दोनों इकट्ठा रहना चाहें तो वो रिकनसाइल कर सकते हैं, उनकी तलाक इफेक्टिव नहीं होगी। एक तो ये पर्पज है, और दूसरा पर्पज ये है कि ताकि ये जज किया जा सके कि इज देयर एनीथिंग इन द वोम ऑफ मदर आर नॉट, क्या उस औरत के बतन में कोई चीज है या नहीं, वेदर शी इज प्रेगनेंट आर नॉट। तो इस चीज का भी अंदाजा किया जाता है कि वो 3 माह के अंदर अंदर उस चीज का अंदाजा हो जाता है। अगर शी इज प्रेगनेंट तो फिर इसमें विरासत का तसव्वुर आ जाता है, मेंटेनेंस आ जाता है, तो एक्स जो हस्बैंड है उसकी तरफ वो रेफर किया जाएगा। तो ये एक हिकमत है इसमें, हम समझते हैं ये दो रीजन और लॉजिक्स है। लेकिन जो मैं पहले भी बात मैंने सबसे पहले की है वो ये है कि इन दो रीजन्स ना भी हों, इसके अलावा जो तीसरी रीजन है मैं समझता हूँ वो सबसे अहम है, और वो ये है कि इट इज द ऑर्डर इंजेक्शन ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। जब अल्लाह तआला का ऑर्डर आ जाता है डेफिनेटली इन द कुरान, तो फिर कोई लॉजिक और रीजन जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती जितनी एक ऑर्डर अल्लाह के रीज उसकी अल्लाह के ऑर्डर में जो है वो रीजन होती है। तो एज ए बिल्कुल मुस्लिम आई थिंक कि हमें इसको ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए इस हवाले से। बिल्कुल ठीक है सर, आपने बताया कि जिस तरह के इस जो ऑर्डर है इटसेल्फ इट इज सो पावरफुल, और वी शुड रिस्पेक्ट इन दैट वे कि लॉजिक जो है वो बाद में आना चाहिए, आपके हुक्म की तमील पहले होनी चाहिए। और ईमान का तकाजा भी यही है कि आप गैप पे ईमान लाते हैं, रीजन पे नहीं। लेकिन उसमें जो हम ट्रेल देखते हैं कि एक बहुत सारे जो इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम है वो मुख्तलिफ है।
जो सर तैयब हनीफ किसी चीज की इंटरप्रिटेशन कर सकता है, हो सकता है मेरा इतना कैलिबर ना हो कि मैं उस चीज की उस लेवल की इंटरप्रिटेशन कर सकूं। तो अब जैसे हमने पिछले सेशन में पॉलीगैमी के सेशन में इस चीज को डिस्कस किया कि जहां पे सूरत कुरान मजीद की सूरत को लेके कि आप एक दो तीन चार शादियां कर सकते हैं, पाकिस्तान और दीगर ममालिक में एक से ज्यादा शादी को जायज करार दिया गया, वहीं पे टर्की और मुख्तलिफ एक दो मुस्लिम ममालिक ने, तुनिशिया ने भी उसी आयत को इस्तेमाल करके ये बोला कि आप एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते क्योंकि आप अपनी सारी बीवियों में अदल नहीं कर सकते। तो बहुत एक डिस्पैरिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम देखने में मिलती है। तो लोग मेरा ख्याल है इस वजह से भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार किसकी बात को फॉलो करें। हनफी कुछ बोलेंगे, मालिकी कुछ बोलेंगे, शाफी कुछ बोलेंगे, अहले तशी कुछ बोलेंगे, अरब कुछ बोलेंगे, पाकिस्तानी मुसलमान कुछ बोलेंगे। तो एज एन इस्लामिक ट्यूटर आपको लगता नहीं कि ये आवाम के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ पड़ गया है कि यार सुनने तो सुने किसकी? विशाल, बहुत अच्छा आपने ये टॉपिक जो है ना इशू की तरफ इशारा किया है। बेसिकली हम अगर थोड़ा सा इसको डिवाइड करें दो हिस्सों में, एक वो मैटर्स हैं जहाँ पे डिस्कशन हो सकती है, जहाँ पे इज्तिहाद हो सकता है, जहाँ पे एनालॉजी हो सकती है, लेकिन बाज वो मैटर्स हैं, वो बिलीव्स हैं, वो अथेंटिक चीजें हैं जिसपे कोई कन्वर्सेशन नहीं हो सकती। कि फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि देर इज ओनली वन गॉड, तो इसमें कोई डिस्कशन और इज्तिहाद की कोई इसमें रूम अवेलेबल नहीं होता। अगर हम कहते हैं कि देर आर फोर थिंग्स इन इन इस्लाम विच इज प्रिस्क्राइब्ड, कुरान के अंदर उसके बारे में ऑर्डर आता है, इंजेक्शन आता है, तो हम उस पर कोई किसी किस्म इज्तिहाद नहीं कर सकते। लेकिन बाज मैटर ऐसे हैं जिसमें इज्तिहाद हो सकता है, जैसे कि आपने एग्जाम्पल दी पॉलीगैमी की, उसमें अल्लाह तआला ने वाज तौर पर कंडीशन लगाई है साथ कि आप चार तक तो कर सकते हैं, लेकिन साथ अदल की कंडीशन लगाई है। अब अदल की जो डेफिनेशन है, अदल को हर कंट्री ने अपने मुताबिक डिफाइन किया है, हर मुज्तहिद ने अपने अकॉर्डिंगली उसको डिफाइन किया, तो उसमें इज्तिहाद हो सकता है। अब रही बात इद्दत की, इद्दत के हवाले से जो चीज है वो बिल्कुल वाजे है। अगर कुरान ने कह दिया है कि मुतल्लका जो है डिवोर्स वुमेन है उसके लिए 3 माह की इद्दत है, इट मीन्स देर मस्ट बी 3 मंथ। और अगर कहा गया है कि 4 माह 10 दिन एक ऐसी औरत के लिए जो बेवा है, जिसका हस्बैंड फोत हो गया है, तो उसमें हम कोई कमी बेशी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बिल्कुल वाज तौर पर उसकी डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन मौजूद है। तो अब मेरा ख्याल है कि ये जो इद्दत का मैटर है, इसमें अगर कोई चीज़ क्लियर कुरान के अंदर मेंशन है, अगर हम उसको बाईपास करते हैं या उसको तोड़ते हैं, तो हम गोया कि इस्लामिक लॉज के अगेंस्ट जाते हैं। बिल्कुल। तो अब बात तो वहीं पे आ जाती है ना सर कि एक जो आम अवाम है, अगर हम पाकिस्तानी अवाम की बात करें तो क्या देखा जा सकता है कि अब तो हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा ज्यादा रैशनल होके सोचते हैं तो वो अपने आप को किसी मसलिक से जोड़ते नहीं है, किसी के साथ अटैच नहीं करके रखते, या जबरदस्ती अपने आप को सुन्नी में या वहाबी में नहीं कैटेगराइज करते। तो ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए कि वो किसको फॉलो करें, किस रूल को फॉलो करें, किस किताब को फॉलो करें, उनकी इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग किस तरह क्लियर हो सकती है जो कि उनके लीगल राइट्स को भी सिक्योर करें। गुड। इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आई थिंक के बाज मैटर्स ऐसे हैं जिसमें तमाम स्कूल ऑफ थॉट यूनानिमस हैं, उनका इकट्ठा और कलेक्टिव डिसीजन है, उसमें कोई डिफरेंस या डिस्टिंग्विश नहीं है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी यहाँ पे मेंशन की है पॉलीगैमी के हवाले से, और इसी तरह मैंने एग्जांपल मेंशन किया इद्दत के हवाले से, जो पीरियड है उसमें कोई इख्तलाफ ही नहीं है, चाहे कोई सुन्नी या कोई वाबी या कोई देवबंदी या कोई बरेलवी या कोई शिया है, दे ऑल आर यूनानिमस, उसमें किसी के दरमियान डिफरेंस नहीं है। हाँ, बाज चीजें हैं जहां में इख्तलाफ हो सकता है, उसमें आम पब्लिक के लिए ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो स्टडी करें, हर स्कूल ऑफ थॉट को स्टडी करें, और जो कुरान और सुन्ना, दीज आर द प्राइमरी सोर्सेज, जो यहाँ इसके करीब ज्यादा हो उसको वो फॉलो करें। और इसमें पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह जुरिस्ट भी मौजूद है, इंटरनेशनल लेवल पे भी है, और अल्लाह तआला हर एक को इंटेलेक्चुअल दिया हुआ है, वो उसको अप्लाई करते हुए वो खुद जज कर सकता है कि कौन कुरान और सुन्ना के ज्यादा करीब है। लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि बजाय कि हम
मौजूदा जो लोग हैं उनको एक कैलिबर को देखते हुए फैसला करें, या फिर जो पहले से जो लोग मौजूद हैं जिन्होंने वर्क किया हुआ है, जो हमारे जुरिस्ट हैं उनकी वर्किंग को नजरअंदाज हम नहीं कर सकते, उनकी जुरिस्ट को भी मद्देनजर रखना होगा हमको। तो इन बिल्कुल तमाम बिल्कुल चीजों को मद्देनजर रख के देन वी कैन डिसाइड कि कौन सा इस्लाम के ज्यादा करीब। किसी भी चीज को फॉलो करने के लिए, तो अगर आप किसी भी स्कूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं या स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं इस्लाम में, तो उसका जो मुतालिया है कि उसका सोर्स क्या है और उसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह की गई है, उस पर भी गौर व फिक्र करना बहुत जरूरी है। आज तो टॉपिक पे आते हैं, अभी जब हम इधर पीरियड की बात कर रहे हैं, आपने इस पे एक बात रेज की कि एक तो रिकन्सिलिएशन के चांसेस होते हैं कि आप अगर इद्दत के दौरान होते हैं तो आपकी रिकन्सिलिएशन की जा सकती है, आपका वापस आपका एक रिश्ता कायम किया जा सकता है। दूसरी बात आपने बताई कि बच्चे की पैदाइश का पता चल सकता है कि वो खातून प्रेग्नेंट है या नहीं है, या कोई इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी हो तो वो सामने आ सकती है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर, एक अलग से चैप्टर शुरू होता है, दैट इज अबाउट द लिजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, के चाइल्ड की लिजिटिमेसी क्या होती है। बहुत सारे लोग इस पे भी कंफ्यूज हैं, जैसे कि उन्हें नहीं पता कि कितने माँ बाप या कितने साल बाद का बच्चा भी वो उनके एक्स हस्बैंड या और बच्चे के पहले जो रियल बाप है उसका तस्वीर किया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप उसको भी थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए क्लैरिफाई कीजिए कि लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड क्या रोल अदा करती है, उसके क्या रूल्स हैं। जी, इस्लाम में बेसिकली जो कॉन्सेप्ट मौजूद है वो निकाह का है, कि निकाह की सूरत में जो बच्चा पैदा हो और जो उसके जो कंसिक्वेंसेस में उनके जो रिलेशनशिप कायम होते हैं वो लीगल कंसिडर किए जाते हैं। इफ देर इज नो निकाह तो फिर देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, वो फिर जिना का ऑफ स्प्रिंग ऑफ जिना का कंसिडर किया जाएगा। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इस्लाम के अंदर जो लेजिटिमेसी का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है। वो निकाह अगर होगा तो ऐसी सूरत में उसके बच्चे भी लीगल कंसिडर किए जाएंगे और उन दोनों के दरमियान मियाँ बीवी के दरमियान राइट्स भी क्रिएट होंगी, ड्यूटीज भी क्रिएट होंगी। और अगर वहाँ पे कॉन्सेप्ट मैरिज का नहीं है तो फिर इश्यूज क्रिएट होते हैं वहाँ पे लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड के। इसमें बिल्कुल वाज कॉन्सेप्ट है, अगर वहां पे मैरिज मौजूद नहीं है तो फिर वो जो बच्चा है वो माँ की तरफ मंसूब होगा और माँ जो है उसकी रिस्पॉन्सिबल होगी मेंटेनेंस की, उसकी इनहेरिटेंस की, और उसके बाकी जितने भी राइट्स हैं वो सब माँ ही रिस्पॉन्सिबल होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा जो वो इलेजिटिमेट है और बच्चे का कसूर है। इस्लाम ये कहता है, ये मियाँ बीवी के लिए एक सबक देना चाहता है कि वो जो वाइफ है बेसिकली शी इज द रिस्पॉन्सिबल, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो उसके ऊपर ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी गई हैं जो कि बेसिकली मर्द के ऊपर थी, मेंटेनेंस की थी, इस तरह इनहेरिटेंस की थी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लेजिटिमेसी है इसको अप्रिशिएट करने के लिए इस्लाम ने मैरिज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है, और अगर मैरिज के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाता तो फिर इसका मतलब यह है कि इलेजिटिमेट चाइल्ड सोसाइटी में हो जाएंगे जिसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएगा, और अल्टीमेटली नहीं, तौर पर फिर सोसाइटी के अंदर इनहेरिटेंस के इश्यूज हैं, बच्चों की लुक आफ्टर के इश्यूज हैं, ये तमाम इश्यूज क्रिएट होंगे। तो बिल्कुल ठीक है। और सर जिस तरह आपने बोला कि इद्दत के अंदर भी एक हमने, दैट्स शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड। बिल्कुल ठीक है। सर जैसे आपने बताया कि इद्दत के पीरियड में भी हमने बच्चे की पैदाइश का इसलिए देखना होता है टू कंसीडर द लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, और जो उसकी बाकी उसके अगर जो आप जी जी सर आपकी आवाज कट, जी, जी सर आपको आवाज आ रही, अगर इद्दत के पीरियड के दौरान, जी, आवाज आ रही है, अगर इद्दत के दौरान अगर मैरिज होती है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। आई थिंक यू वांट टू आस्क रिगार्डिंग दिस वन, यस सर जो प्लीज रिसेंट प्लीज। जजमेंट पाकिस्तान के अंदर जो जस्टिस साहब ने दी है। जी, अच्छा, जैसा कि मैंने मेंशन किया विशाल, जैसे कि मैंने मेंशन किया कि इस्लाम के अंदर जो कुरान ने बकायदा तौर पे वर्स मेंशन की है, चैप्टर 64 65 पे वर्स नंबर 1 में,
चैप्टर 65 वर्स नंबर 1 में जो चीज़ मेंशन की है वो अल्लाह ताला ने ये कहा है कि ईमान वालों, जब तुम तलाक दो तो फिर तलाक को तुम काउंट करो, ठीक है। और फिर चैप्टर नंबर 2 और वर्स नंबर 228 में इसको मेंशन किया है कि जो मुतलका औरतें हैं वो अपने आप को 3 करू तक, यानी 3 माह तक, या 3 तोहर तक, या हैज तक अपने आप को रोके रखें। तो अब इसमें जो इंटरप्रिटेशन है उसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट आते हैं, एक मेजोरिटी स्कूल ऑफ थॉट है और एक हनफी स्कूल ऑफ थॉट है। जैसे कि पाकिस्तान में ज्यादातर हनफी स्कूल ऑफ थॉट के फॉलोवर्स हैं, तो वो निकाह की 2 इकसाम बड़ी डिस्क्राइब करते हैं, एक निकाह सही है और एक निकाह बातिल है। लेकिन एक जो तीसरी एक टाइप भी मेंशन करते हैं जिसे निकाह फासिद कहते हैं। तो बेसिकली तौर पर जो मेजोरिटी स्कूल ऑफ थॉट है वो कहते हैं कि निकाह 2 तरह के हो सकते हैं, या तो सही होगा या फिर बातिल होगा। लेकिन हनफी कहते हैं कि एक तीसरी टाइप भी है जिसको हम कहते हैं कि वो फासिद है, ये ना तो निकाह सही होता है और ना ही वो निकाह बातिल होता है, बल्कि ये दरमियान की एक चीज है जो के दरमियान में मुअल्लिक होती है, कि ना मुकम्मल तौर पे वो वैलिड होती है और ना ही वो मुकम्मल तौर पे इनवैलिड होती है, तो उसको वो फासिद डिक्लेयर करते हैं। अभी जो रिसेंट जजमेंट आई है अलहोर हाई कोर्ट की, तो उन्होंने वो ये जो इद्दत के दौरान मैरिज है इसको कहा है कि वो इरेगुलर है, वो फासिद है। तो मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने जजमेंट में तो एक तरह का ठीक लिखा है कि वो इरेगुलर है, और ये इस्लामिक जूरिस्ट के स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक भी, हनफी स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक भी इरेगुलर है। लेकिन वो आगे एक गलती कर जाते हैं कि इरेगुलर डिक्लेयर करने के साथ साथ वो इसको इलीगल डिक्लेयर नहीं करते। तो ये उन्होंने एक किस्म का, मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक फॉल्ट किया है, एक मिसअंडरस्टैंड किया है इस्लामिक लॉ को, कि जब आप एक चीज को इरेगुलर कह रहे हैं तो फिर लीगल कैसे हो जाती है। तो इस अच्छा, जजमेंट में ऐसे ही हुआ। इससे पहले जी इसको मतलब सिंपलीफाई करने से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तानी कानून के अंदर हमने इस्लामिक प्रिंसिपल को तो डिस्कस कर लिया, बट पाकिस्तानी लॉ जो है वो इद्दत के बारे में या इररेगुलर मैरिज के बारे में कोई रहनुमाई देता है या इस पे कंप्लीटली साइलेंट है? जी जी बिल्कुल, पाकिस्तानी लॉ में मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है 1961, उसके अंदर बकायदा तौर पे डिवोर्स के हवाले से एक सेक्शन है 7, उसमें मेंशन किया जाता है कि जब कोई मर्द डिवोर्स दे तो उसके बाद औरत जो है वो 90 डेज तक वो वेट करेगी, और 90 दिन बाद वो तलाकनामा बकायदा वो इफेक्टिव होगा। हस्बैंड जो है वो एक नोटिस वाइफ को देगा और एक नोटिस जो है उसने अपने मुतलका यूनियन काउंसिल में सबमिट कराना होता है। तो नाइन्टी बिल्कुल डेज के बाद वो तलाक इफेक्टिव होगी, इससे पहले इफेक्टिव नहीं हो सकती। तो वहां पे जो मेंशन है इद्दत का पीरियड वो 90 डेज मेंशन किया गया है। लेकिन बिल्कुल मैं इसमें ये कहता हूँ कि ये जो 90 डेज को फिक्स कर दिया गया है ये भी इस्लामिक इंजेक्शन के अगेंस्ट है, क्योंकि इस्लामिक इंजेक्शन में बाज दफा जो वेटिंग पीरियड है, जो इद्दत का पीरियड है वो 90 डेज है, बाज दफा जो है वो 4 मंथ 10 डेज है, और बाज दफा है ही नहीं। जैसे कि ओके मैंने शुरू में एग्जाम्पल मैंशन की है कि अगर कोई मर्द और औरत के दरमियान निकाह होता है और उसी से पहले उनके दरमियान सेपरेशन हो जाती है, तो अब औरत को 90 दिन वेट नहीं करना पड़ेगा और ना ही उसको चाहिए वेट करना। इस्लामिक लॉ के मुताबिक वो फौरन मैरिज कर सकती है, देर इज नो कंसेप्ट ऑफ इद्दत इफ देर इज नो कंज्यूमेशन बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। बिल्कुल, अगर कंज्यूमेशन ऑफ तो मैरिज नहीं है तो उसमें इद्दत भी इद्दत का पीरियड भी नहीं पाया जाएगा। सर, इररेगुलर मैरिज के ऊपर बात करते हैं, चूंकि लाहौर हाई कोर्ट ने ये टर्म यूज की है और इस टर्म ने काफी लोगों को कंफ्यूज कर दिया है कि मैरिज तो सुना था, ये इररेगुलर मैरिज क्या होती है, जो जैसे आपने बोला अनलॉफुल भी नहीं है और लॉफुल भी नहीं है। तो पहले तो बताइएगा कि क्या पाकिस्तानी लॉ में कहीं इररेगुलर मैरिज की डेफिनेशन पाई जाती है किसी लॉ के तहत? वैसे तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो बकायदा तौर पे डिफाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट्स की जो टाइप हैं, एक वैलिड है, एक इरेगुलर है, और एक जिसे वाइडेबल हम कहते हैं, और एक को जो है वो वाइड कहा जाता है। तो वाइडेबल को उन्होंने थोड़ा सा टच किया है इसके साथ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इंग्लिश कॉन्सेप्ट है
जो वाइडेबल कॉन्सेप्ट है वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस्लामिक पर्सनल लॉ में कोई ऐसे वाजे तौर पे कुछ स्टेटमेंट मौजूद नहीं है, कोई सेक्शन मौजूद नहीं, कोई आर्टिकल मौजूद नहीं है जिसने इसको बकायदा तौर पे डिस्टिंग्विश किया हो या इसको डिस्क्राइब किया हो। अलबत्ता डिफरेंट जजमेंट्स हैं, लाहौर हाई कोर्ट की भी हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी हैं, और इसके अलावा फेडरेशन कोर्ट में भी इसको मेंशन किया गया है डिफरेंट जजमेंट्स के दौरान, जिसमें वैलिड को, इररेगुलर को और वाइड को मेंशन किया गया है, लेकिन लॉ के अंदर कोई ऐसे वाजे कुछ चीज मौजूद नहीं है। तो इस हवाले से यही देखने में आता है कि डिफरेंट जो जजेस हैं, जस्टिस हैं, वो अपनी थिंकिंग और थॉट के मुताबिक, अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक वो जजमेंट्स देते हैं। बिल्कुल तो ठीक है। स्पेशली तौर पे मैं समझता हूँ कि वो देखते हैं जो इस पे राइटिंग्स मौजूद है इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस पे, तो उसके मुताबिक वो डिसीजन देते हैं। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उनको सिर्फ उसको फोकस नहीं करना चाहिए जो इस्लाम की जो असल जो स्क्रिप्चर्स हैं या असल प्राइमरी सोर्सेज हैं उनको भी देखना चाहिए और उनकी राइटिंग्स को भी देखना चाहिए। सर, एक अलमिया तो यहाँ पे हमें प्रैक्टिस में देखने में मिलता है कि जो इस्लामिक लॉ है और जो पाकिस्तान फैमिली लॉ है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन में एक खासा टग ऑफ वॉर देखने में हमें मिलता है कि इस्लाम की टीचिंग्स कुछ एक खास प्रिसाइज होती हैं, फिर आप जो आपका लॉ है वो एक अमेलगमेशन है तीन चार चीजों का, तो लोग भी कंफ्यूज होते हैं, वकील भी कंफ्यूज होते हैं और बड़ी इसमें परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। सर ये बताइएगा कि इस जजमेंट के मुताबिक इररेगुलर मैरिज को किस तरह तरीके से डिफाइन किया गया? इसमें जो बेसिकली जो चीज़ है वो बड़ी वाजे है कि इरेगुलर मैरिज को जो इसमें डिफाइन किया गया है उसमें उसमें कहा गया है कि जी मैरिज तो इरेगुलर है, लेकिन इशू ये है कि ये मैरिज को उन्होंने साथ लीगल करार दे दिया है, जो कि एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फ्लॉ है, फॉल्ट है कि आप एक ऐसी मैरिज को जिसको आप एक साथ इरेगुलर भी डिक्लेयर कर रहे हैं लेकिन साथ साथ आप उस मैरिज को लीगल भी करार दे रहे हैं। जैसा कि इस जजमेंट में हुआ कि जो ट्रायल कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसी को आप हेल्ड करते हैं और उस हस्बैंड की जो एक्स हस्बैंड है उसकी आप जो पली है उसको आप बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस्लामिक लॉ में पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि व्हाट इज रेगुलर मैरिज, व्हाट इज इररेगुलर मैरिज और व्हाट इज वाइड मैरिज। तो ठीक है जो वैलिड मैरिज है वो बिल्कुल वाजे है, उसमें ये कहा गया है कि जो सही मैरिज है उसमें तमाम असेंशियल्स हैं, जैसा कि उसमें दो गवाह हैं, इजाबो कबूल है, फ्री कंसेंट है पार्टीज की, ये तमाम की तमाम चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए, और इसके बिल्कुल साथ साथ उसमें गार्डियन की जो कंसेंट है वो उसको भी कंसिडर करते हैं फुकाहा वगैरह, विटनेस वगैरह हैं। अगर ये तमाम चीजें पाई जाती हैं तो एक वैलिड मैरिज है, लेकिन अगर ये तमाम बिल्कुल चीजें नहीं पाई जाती और उसमें कोई लैक करती है कंडीशन, तो जैसा कि विटनेस के बारे में कहा जाता है कि अगर एट दैट टाइम विटनेस अवेलेबल नहीं है तो वो मैरिज क्या है, वो मैरिज इररेगुलर कंसिडर होगी, या इसी तरह इद्दत के दौरान मैरिज है तो ये इररेगुलर कंसिडर होगी। लेकिन तो सर बाज ये बार चीज बताइए, ऐसी है, जी, ये बताइएगा कि इररेगुलर मैरिज जो है ये वैलिड मैरिज में तब्दील हो जाती है या ये थ्रू आउट इररेगुलर ही कंसीडर की जाती है? जी इसमें बाज मैरिजेस ऐसी हैं, वैसे तो जो राइटिंग्स के अंदर जो बाज कंटेम्परेरी राइटर्स ने लिखी हैं जैसे सर अब्दुल रहीम ने लिखा है या इस तरह की मुल्ला जी ने लिखी हैं, उसमें उन्होंने इररेगुलर मैरिज वो कहा है कि जो टेम्परेरी मैरिजेस होती हैं। लेकिन अगर हम ओरिजिनल राइटिंग की तरफ जाएं जो कि हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी या सेकेंडरी सोर्सेज है इस्लामिक लॉ के, उसमें उन्होंने कोई ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई कि जो टेम्परेरी नेचर की है तो वो इरेगुलर होंगी। उन्होंने कहा है कि वो जिसमें कोई कंडीशन लैक करती है, बाज कंडीशन ऐसी होती है जो कंपल्सरी होती है, अगर उसको हम लैक करते हैं तो इरेगुलर तो होगी लेकिन वो रेगुलर नहीं हो सकती। बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें मेंशन करता हूँ कि जो विटनेस वगैरह हैं इस पे दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि ये ऐसी चीज है जिसको रेगुलर नहीं किया जा सकता, अगर दो गवाह मौजूद नहीं है तो निकाह नहीं हो सकता, जबकि दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि नहीं, अगर बाद में गवाह मिल जाते हैं तो ये इसको रेगुलर किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई टेम्परेरी नेचर की कोई सिचुएशन है ऐसी सूरत में
अगर कोई चीज निकाह होता है तो वो बाद में अगर रेगुलर हो जाए तो, लेकिन एट दैट टाइम वो इररेगुलर ही कंसिडर होता है और इलीगल ही तस्वर किया जाता है। तो उसको अगर आप बाद में लीगल भी करार दे दें, लेकिन वो उस वक्त ऑफेंस ही कंसिडर होगा। तो जैसा कि इस जजमेंट के अंदर हम देखते हैं कि जी इसमें भी जब हस्बैंड है उसने अपनी बीवी के खिलाफ केस दायर किया और कहा कि मेरी बीवी ने इद्दत पूरी ऑब्जर्व नहीं की, उसने फौरन ही शादी कर ली है, उसको चाहिए था कि वो 3 माह तक इद्दत का पीरियड कंज्यूम करे और उसके बाद वो मैरिज करे, लेकिन उसने इद्दत का पीरियड पूरा नहीं किया। तो लिहाजा इसके खिलाफ जिना का मुकदमा होना चाहिए, इसके ऊपर भी और इसके शोहर के ऊपर भी। तो ट्रायल कोर्ट ने कहा कि नहीं, उनके पास ये राइट है और ये इरेगुलरिटी है, जस्ट एक फॉर्मेलिटी को उसने डिनाई किया है, तो इसकी बेस पे इसको इलीगल करार नहीं दे सकते। तो सेम हाई कोर्ट ने भी यही फैसला इसको अपहेल्ड किया। तो लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या जो जज हैं हाई कोर्ट के, उनको कंसिडर करना चाहिए था कि अगर एक चीज इरेगुलर है तो वो रेगुलर तो ठीक है बाद में हो गई है या आपने कर दी है जैसी मुद्दत तो उसकी इद्दत की गुजरी है, लेकिन उससे पहले पहले वो जब मैरिज हुई थी तो उस वक्त वो इरेगुलर थी, उसकी पनिशमेंट उसको डिस्क्राइब कर देनी चाहिए थी। अगर चाहे फुकहा ये कहते हैं कि अगर चाहे वो इरेगुलर थी उसके ऊपर हद तो नहीं लगेगी, हद जना उसके ऊपर नहीं लगेगी, लेकिन अलबत्ता ताजीरी सजा उसको हो सकती है और जो कि कोर्ट को देनी चाहिए थी। बिल्कुल, तो आपके जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उसके मुताबिक के जो ऑफेंस कमिट हुआ है, जो इरेगुलर का ऑफेंस है, आप उसे इरेगुलर जी कह के जी अनलॉफुल नहीं कह सकते कि मतलब वो अनलॉफुल नहीं है। जो उसने गलती की है वो तो गलती कंसीडर लाजमी हो सकती थी, जो कि आई बिलीव के लाहौर हाई कोर्ट ने और ट्रायल कोर्ट ने लीनियंट अप्रोच रखी है खातून की तरफ और उनकी सारी चीजों की तरफ। सर, इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि अगर आप पाकिस्तानी प्रोसीजर लॉ देखें रिगार्डिंग द तलाक, तो अब तो तलाक के बिदत का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गया है कि आप 3 तलाक एक साथ नहीं दे सकते और आपने हर माह एक एक तलाक जो है वो देनी होती है। अब कीपिंग जी जी असाइड फ्रॉम द फैक्ट्स ऑफ द केस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट जजमेंट, अब एक खामन ने जब तलाक दी यूनियन काउंसिल में, तो यूनियन काउंसिल को भी नोटिस पहुंचाएगा। अब वो नोटिस जो है वो जी हर जी एक माह बाद जाएगा, तो उससे हमें पता चलता है कि एक नॉर्मल तलाक को भी होते हुए 3 माह तक लग जाते हैं, जो कि एक इद्दत का जी जी पीरियड ही उसमें कवर हो जाता है, 90 दिन उसके अंदर पूरे हो जाते हैं। तो अगर अब उस एक जी औरत जी उस दौरान ही शादी कर लेती है तो लीगली तौर पे भी तो उसकी तलाक नहीं हुई या हो जाती है? देखिए, इसमें अगर अगर आप रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते, यानी कि 3 नोटिस अगर नहीं देते, तो मैं समझता हूँ कि इस्लाम में जो तलाक का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल वाज़े है। उसमें दो बड़ी टाइप्स हैं, एक तलाक-ए हसन है और एक तलाक-ए हसन है। तलाक-ए हसन ये है कि आप एक ही दफा डिवोर्स दें और उसके बाद इद्दत का जो पीरियड है 3 माह वो पूरे हो जाने दें। जैसे ही पाकिस्तानी लॉ में 90 दिन है, आप पहला नोटिस देने के बाद 90 दिन जैसे ही पूरे हो जाए उसके बाद आप तलाक का जो है अब वो तलाकनामा ले सकते हैं, औरत कहीं दूसरी जगह पे शादी कर सकती है। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो होता है कि जैसे तलाक हसन कहते हैं कि आप हर माह एक नोटिस दें, पहले माह भी दें, दूसरे माह भी दें, फिर तीसरे माह भी दें। और ये 2 तरीके हैं इस्लामिक लॉ में डिवोर्स देने के, और इसमें जो बेस्ट वे है डिवोर्स देने का वो यही है कि आपने एक ही नोटिस देना है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पता नहीं क्यों नहीं इस पे लेजिस्लेशन फौरन हो रही और बकायदा तौर पे इस पे लेजिस्लेशन करके पनिशमेंट डिस्क्राइब कर देनी चाहिए उन लोगों के लिए जो 3 इकट्ठी तलाक दे देते हैं और जो कि बिदत है और गुनाह है, और उस पे बकायदा तौर पे उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जिन्होंने इसको मजाक बनाया है और 3 इकट्ठी तलाकें जो है वो प्रोनाउंस कर देते हैं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी लॉ में इस पे फौरी तौर पर लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि हस्बैंड एक ही टाइम पे एक दफा ही तलाक प्रोनाउंस करे और 3 माह बाद जाके वो बकायदा तौर पे तलाक का सर्टिफिकेट अगर लेना चाहता है तो वो ले सकता है, और इस 3 माह के दौरान अगर वो चाहे तो रुजू भी कर सकता है। जी सर, तो इसमें ये मैं एक पूछना प्रोसीजर चाहूंगा, है। जी जी मैं इसमें आपसे पूछना चाहूंगा, जो यूनियन काउंसिल का सर्टिफिकेट है तलाक का, बहुत सारे जी हमने जी केसेस देखे हैं, आपने चूंकि आपका एक्सपीरियंस माशाल्लाह इतना
ज्यादा ब्रॉड है, आपने इतने केसेस भी किए हैं, आपकी इस्लामिक नॉलेज भी इतनी प्रोफाउंड है। हमें बताइएगा कि जो नादरा का या यूनियन काउंसिल का इशू किया हुआ डिवोर्स सर्टिफिकेट है, उसकी क्या अहमियत है? क्या एक खातून उस सर्टिफिकेट से पहले दूसरी शादी कंटेस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती? देखें, ये तो फिर वही बात आ गई है जो पाकिस्तानी लॉ में अभी जो जजमेंट आई है, इस जजमेंट के अगर हम इफेक्ट्स देखें तो इस इफेक्ट्स के तहत तो खुली छुट्टी दे दी गई है कि जो चाहे सर्टिफिकेट लेने के बगैर ही वो आगे शादी कर सकता है, कर सकती है खातून, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने इरेगुलर तो डिक्लेयर किया है लेकिन उसे इलीगल या उसकी कोई पनिशमेंट डिस्क्राइब नहीं की। तो गोया के ये जो हाईकोर्ट की जजमेंट है ये इनडायरेक्टली तौर पे ये इंकरेज कर रही है कि आप इद्दत के दौरान जो है वो शादी कर सकते हैं, ये कोई इलीगैलिटी नहीं है और ना ही ये जिना तसव्वुर होगा और ना ही ये गुनाह तसव्वुर होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस जजमेंट को रिव्यू करना चाहिए और इसके खिलाफ अगर किसी को हो सके तो दोबारा इस पे कोई अपील का अगर किसी के पास ऑप्शन है तो वो उसको यूज करना चाहिए। और खास तौर पे वकला कम्युनिटी जो है इस्लामिक जुरिस्ट माइंड के हैं उनको चाहिए कि इस पर एक्शन लें कि आप एक खुली छूट दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस्लामिक लॉ की इंजेक्शन की वायलेशन इसमें हुई है और इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी लॉ की भी इनडायरेक्टली तौर पे वायलेशन की गई है। एक तरफ आप जी 90 डेज का पीरियड फिक्स कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इस दौरान अगर आप मैरिज भी कर लेते हैं तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी जी व्यू जो है विशाल, आपके पास आता है कि अगर लॉ में जो आपसे आपने बताया कि एक 90 डे सेक्शन 7 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 जो तय करता है, उसके पीछे भी अगर हिकमत देखें जो जूरिस की जो उनकी रैशनल था, जो उनका रेशो था कि किस वजह से लीगल माइंड जो था उनका कि किस वजह से उन्होंने 90 डेज को प्रिस्क्राइब किया, तो हमें देखने को मिलता है कि उनकी जो मेंटल थी, जो उनकी लॉजिक थी, वो इस्लामिक लॉ के साथ कहीं ना कहीं पैरेलल जरूर चलती थी कि 3 माह की जो इद्दत पीरियड है तलाक के जुमरे में, वो इसलिए ही जी रखी गई थी कि रिकंसिलिएशन हो सके, क्योंकि हर इंसान चाहता है, चाहे सोसाइटी अब उसको इतना ज्यादा एक्सेप्ट ना करती हो, लेकिन कोशिश तो वकला की भी अमन रहती है, जस्टिस की भी रहती है, यूनियन काउंसिल की भी रहती है कि सुलह हो सके, किसी का घर बच जाए, लोगों के फैमिली सेपरेट ना हो। एक वजह तो वो देखने में आती है, दूसरी वजह चाइल्ड की लेजिटिमेसी कि जो बच्चा अभी पैदा होने वाला है वो, या अगर वो प्रेग्नेंट है भी या नहीं है, और अगर है तो वो किसके बच्चे, जो उसका बाप है, असली बाप कौन है, और जिस हमने उसका जजमेंट का मुलाहिजा किया उसमें देखने में आता है कि कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो इस्लामिक प्रिंसिपल से, और कुछ ना कुछ जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो आपके लोकल लॉ से भी देखने में आती है, और इसमें कुछ रिव्यू करने की जरूरत है। सत्यदेव, थैंक यू सो मच, इट वाज सच अ वंडरफुल एंड इन्फॉर्मेटिव सेशन। बिफोर लीविंग एंड एंडिंग द सेशन, मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ जो पॉइंट्स हैं बीइंग एन एक्सपर्ट ऑन इस्लामिक लॉ एंड फैमिली लॉ, जो हमारे ऑडियंस को कोई आप मैसेज देना चाहें, या हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको मैसेज देना चाहें, कोई गाइडलाइन देना चाहें, तो वो जरूर दीजिएगा। द फ्लोर इज ऑल योर्स। जी थैंक यू विशाल। मैं समझता हूँ कि इस्लामिक लॉज के हवाले से पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे काम होने वाला है, स्पेशली फैमिली लॉ के हवाले से हमारे जो जजेज हैं या इसी तरह हमारे जो वकला हैं उनको चाहिए कि वो स्पेशली तौर पे जब मुताला करें तो सिर्फ कंटेम्प्रेरी जो बुक्स हैं, जो कॉपी पेस्ट हैं या फिर दो चार किताबें मौजूद हैं जो अंग्रेज के जमाने में लिखी हुई हैं, सिर्फ उसी पर फोकस ना करें बल्कि इसके साथ साथ जो मुस्लिम जुरिस्ट ने लिखी हैं किताबें उस पर फोकस करें। अल मबसूत है इमाम सरखसी की, इसके अलावा अल हिदाया किताब है, जो बेसिक प्राइमरी किताबें हैं जुरिस्ट की उन पे बकायदा तौर पर रूलिंग को फाइंड करने की कोशिश करें। इस तरह कुरान और सुन्ना उसको भी प्रॉपरली तौर पर देखें और स्पेशली मैं समझता हूँ कि जो तफासीर हैं वहां से प्राइमरी सोर्सेस से वो इस्लामिक लॉ को ड्राइव करने की कोशिश करें और सिर्फ एक दो सोर्सेस पे रिलाय ना करें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पे रिलाय ना करें बिकॉज दे आर नॉट इस्लामिक जूरिस्ट। तो इस हवाले से मेरा यही मैसेज है कि जो आम पब्लिक भी है अगर उनको कोई इश्यू वगैरह आता है इस्लामिक लॉ के हवाले से वो किसी एक दो
लोगों की बातों पे या स्कॉलर्स की बातों पे सिर्फ ब्लाइंडली बिलीव ना करें, इसके साथ साथ वो खुद सर्च करें। और एज ए मुस्लिम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद भी सर्च करके उसको फाइंड आउट करें। तो वो यही मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो तमाम चीज़ों को डीपली गो थ्रू करे और उसके बाद वो डिसीजन करे अपने इंटेलेक्चुअल को यूज करते हुए। और आई थिंक कि इस्लामिक लॉ जो है ये इंसान की इंटेलेक्चुअल के ज्यादा करीब है और ये ज्यादा हेल्पफुल है अब मौजूदा जितने भी सिस्टम्स हैं उनके मुकाबले में। थैंक के यू सो मुकाबले में मच। बहुत शुक्रिया सर तैयब, इट वाज ऑलवेज अ वंडरफुल फ्रॉम लर्निंग फ्रॉम यू। आपसे भी जैसे हमने पूरी यूनिवर्सिटी में सीखा है और आपकी ही बताई हुई बातों को आज हम इस्तेमाल करके थोड़ी बहुत नॉलेज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आपने इतना वक्त हमें जजाकल्लाह। दिया है और उसको हमने अपने जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इससे मुस्तफीद होंगे, उन्हें इस हमारे सेशन से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। फॉर ऑल दोस हु स्टिल हैज एनी क्वेश्चन और या वो अपने कोई क्वेरी डिस्कस करना चाहते हैं, प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप योर क्वेरीज एट wakeelonline.pk, जहां पे एक्सपर्ट द सर्टिफाइड लॉयर्स आर अवेलेबल टू आंसर योर क्वेरीज। टिल देन हम आपके साथ नए सेशन के साथ जरूर आएंगे और हमारी कोशिश रहेगी सर तैयब को भी हम प्लग करके रखें कि जितने हमारे इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के ऊपर सेशन होते हैं इनसे थैंक कहीं ना यू। कहीं रहनुमाई हम जरूर लेते रहें। तो सर अगेन थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू अगेन। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आई होप यू ऑल हैव अ वेरी गुड नाइट। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।